शुक्राचार्य ने क्यों बसाया मक्का मदीना? एक अनसुना सच। हमेशा से यह बहस का विषय रहा है कि मुस्लिमों के पूर्वज क्या वाकई हिंदू ही थे। दुनिया भर के मुस्लिम लोग, चाहे इस सत्य को माने या ना माने, उनके रहन सहन के तरीके, उनकी मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुर राज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर उसे वैष्णवों अर्थात हिंदुओं से दूर रखने को कहा। शिव जी का स्पष्ट आदेश था कि जिस दिन कोई भी वैष्णव अर्थात हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षस वंश का नाश हो जाएगा। शुक्राचार्य ने महादेव के स्वयं दिए शिवलिंग को भारतवर्ष तथा हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जिसे आज अरब देश में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि अरब देश का नाम शुक्राचार्य के पौत्र अर्ब के नाम पर ही पड़ा है। शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना के शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया। कालांतर में काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया, जिसे मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है और शुक्रम अर्थात शुक्रिया अथवा धन्यवाद शब्दों का जन्म भी गुरु शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य ही हैं। भार्गव के नाम से प्रसिद्ध शुक्राचार्य का शुक्र नाम कैसे पड़ा, इस संबंध में वामन पुराण में विस्तार से उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार जब शुक्राचार्य को भगवान शिव निगल जाते हैं, तब शिव जी के उदर में जाकर भार्गव ने भगवान शिव की स्तुति प्रारंभ कर दी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको बाहर निकलने की अनुमति दे दी। जब वे एक दिव्य वर्ष तक महादेव के उदर में ही विचरते रहे, लेकिन कोई छोर न मिलने पर वे पुनः शिव जी की स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव ने हंसकर कहा कि मेरे उदर में होने के कारण तुम मेरे पुत्र हो गए हो, अतः मेरे शिशन से बाहर आ जाओ। आज से समस्त चराचर जगत में तुम शुक्र के नाम से ही जाने जाओगे। शुक्रत्व पाकर भार्गव भगवान शिव के शिशन से बाहर निकल आए। तब से भार्गव शुक्राचार्य के नाम से विख्यात हुए। रामायण के अनुसार रावण की बहन सूर्पनखा का वध नहीं हुआ और रावण की मृत्यु के बाद वह गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में ही रहने लगी थी। ये सबको पता है कि भगवान श्री राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक कान काट दिए थे और तभी से वह अपना चेहरा ढक कर रहती थी। सूर्पनखा के चेहरा ढकने की परंपरा को अरब देश की औरतें आज भी निभाती हैं। अरब देशों के रेगिस्तान में तेज धूप होने की वजह से वहाँ के लोगों ने सिर ढकने के लिए टोपी पहनना शुरू कर दिया, जो आगे चलकर उनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गया। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू किया और इस हत्या को कुर्बानी का नाम दिया गया। इंसानों के मरने के बाद उन्हें जमीन में दफन करने की परंपरा शुरू हुई, जिसका मुख्य कारण रेगिस्तान में जलाने योग्य लकड़ी का ना होना था। काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां शामिल हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से ही एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियों का वहां होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में नवग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म आज भी नवग्रहों की पूजा करता है और यह माना जा सकता है कि मुसलमानों को नवग्रह की पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। अर्धचंद्र को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अर्धचंद्र चिन्ह का काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है और इसे इस्लाम के झंडे पर स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के पवित्र शब्द ओम के संस्कृत रूप ओम को अगर शीशे में देखें तो यह अरबी भाषा में लिखे गए अल्लाह की तरह दिखाई देता है। यहाँ तक कि मुसलमानों में पवित्र माना जाने वाला 786 अंक भी ओम से ही बना है।
ध्यान देने वाली बात ये है कि कोई भी मुसलमान इस बात को स्वीकार नहीं करता कि 786 अंक वास्तव में हिंदुओं का वैदिक प्रतीक ओम है। कोई भी मुस्लिम बुद्धिजीवी ये नहीं बता पाता कि अगर 786 अंक ओम नहीं तो आखिर क्या है। मुसलमान मक्का जाकर काबा के शिवलिंग की 7 बार परिक्रमा भी करते हैं, जो बहुत पहले से चला आ रहा है। गुरु शुक्राचार्य ने यकीनन इस्लाम से पूर्व पैदा हुए अरब क्षेत्र के लोगों को हिंदू पूजा पद्धति सिखाई होगी। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है, जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी, तथा ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्राचार्य ने भगवान शिव की दी हुई चेतावनी पर अमल करते हुए इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। जहां भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की यह परंपरा भी काबा से जुड़ी हुई है, और मंदिर के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी स्थित है, जिसे जम जम पानी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब स्वयं भी वैदिक परिवार में हिंदू के रूप में जन्मे थे, और जब उन्होंने अपने प्रकृति पूजक मूर्ति पूजक परिवार की परंपरा और वंश से संबंध तोड़ने और स्वयं को पैगंबर घोषित करना निश्चित किया, तब संयुक्त हिंदू परिवार छिन्न भिन्न हो गया, और काबा में स्थित महाकाय शिवलिंग और काबा के रक्षार्थ हुए युद्ध में पैगंबर मोहम्मद के चाचा उमर बिन हश्शाम को भी अपने प्राण गंवाने पड़े थे।